मंच पर मेरे साथ हैं आसिम, कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, और मेरे पास में खड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी तो है ही, लेकिन जो मुझे पिछले चंद मिनटों में आभास हुआ है, केवल सदर बाजार नहीं लेकिन समूचे कैंट का प्रत्याशी संदीप कुमार जो मेरे पास में खड़ा हुआ है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज ये मौका मुझे मिला है इस अंचल को, इस धरती को नमन करने का। ये कैंट क्षेत्र है, पुराने जमाने में जब सेना निकलती थी और सेना का लश्कर जहां लगता था उस क्षेत्र को छावनी कहलाता था, तो आप सब उस छावनी क्षेत्र के निवासी हो, मतलब आप सब के केवल दिल में नहीं, दिमाग में नहीं, लेकिन रग रग में संघर्ष का जज्बा है। और अगर एक नई इमारत लिखनी होगी, एक नया संदेश समूचे दिल्ली प्रदेश में भेजना होगा, और अगर दिल्ली प्रदेश से एक नया संदेश पूरे राष्ट्र में भेजना होगा, तो उस शंखनाद की शुरुआत मेरी छावनी क्षेत्र से होनी चाहिए मेरे भाई और बहन, क्योंकि वो छावनी वो लश्कर है, वो लश्कर है जहां से शंखनाद इतिहास में निकलती थी, और आज पिछले चंद मिनटों में इस नौजवान से मैंने सुना है जो परिस्थितियां आज इस कैंट क्षेत्र में है, इस सदर बाजार में है, जिस दल को 5 साल पहले दिल खोलकर, दिल में जगह देकर सरकार में स्थापित किया था, वो आम आदमी पार्टी का दल जो चुनाव के पहले बहुत गरजता था, गरजने की तो आदि है ही, गरजने के आदि तो है ही, लेकिन बरसते नहीं। गरजते बहुत है लेकिन बरसते नहीं। घोषणाएं बहुत की थी, आश्वासन बहुत दिए थे, और मैं तो मानता हूं कि इस देश में हमें राजनीतिज्ञों की कोई जरूरत नहीं है, ये मंच है, राजनीतिज्ञ चुनाव का माहौल है, जो राजनीति देश में एक उत्सव माना जाता है, लेकिन इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि आपको और इस देश को राजनीतिज्ञों की जरूरत नहीं है, अगर इस देश को किसी बात की जरूरत है तो इस देश को जन सेवकों की जरूरत है। और जिंदगी में चाहे संदीप हो, 35 साल से हमारे जो पार्षद विशाल खड़े हैं, विमल खड़े हैं, अभी मुझे बोल रहे थे कि 65 वर्ष की उम्र है, पर दिखते तो नहीं है 65 वर्ष। आपकी दुविधा भी मेरी जैसी है। तो जो जनसेवक है आपके लिए खड़े हैं, जो माहौल निर्मित किया है इन लोगों ने प्रदेश में, जहां आश्वासनों की सूची तो बड़ी लंबी है लेकिन कार्य की सूची बड़ी, कौन बता रहा है, आश्वासनों की सूची बड़ी लंबी है लेकिन कार्य की सूची बड़ी छोटी है। अनेक घोषणाएं की थी चुनाव के पहले,
एक एक घर में हम वाईफाई पहुंचाएंगे। घोषणा की थी कि दिल्ली में बसों की नदी बहला देंगे, 5000 बस देंगे। बस अतिरिक्त तो नहीं मिले, लेकिन जो डीटीसी चलती थी उसके 6280 बसेस में से केवल 3284 आज बच चुके। न बस न वाईफाई। अभी पिछले दिन पूर्व मैंने उप मुख्यमंत्री जी को देखा, सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे थे। चुनाव आया तो सीसीटीवी कैमरा घोषणा की थी, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लाएंगे। आज मैं अपनी महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि बस न वाईफाई न सीसीटीवी, वाईफाई से चला रखा है। और गरीब अंचल में क्या मांग है जनता की? गरीब अंचल में मांग है जनता की कि राशन टाइम पे मिले, राशन टाइम पे मिले, वृद्धावस्था पेंशन मिले, विधवा पेंशन मिले। आज मैं दिल्ली में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार आ गई कि विधायक के हाथ में भी कोटा दिया जाता है पेंशन देने के लिए? ये आप लोगों का हक बनता है और कोई भी आपको उस हक से वंचित नहीं रख सकता। शीला जी की सरकार थी 15 साल। आज दिल्ली में जितने फ्लाईओवर बने हैं, जो दिल्ली की मेट्रो रेल बनी है, वो किसी और की देन नहीं है, वो कांग्रेस सरकार और शीला दीक्षित की देन है। इन्होंने कहा था कि भैया चिंता मत करो, यमुना नदी को हम स्वच्छ बना देंगे। आज क्या हाल है यमुना नदी जी का? तो एक तरफ ये आम आदमी पार्टी की सरकार, दूसरे तरफ दिल्ली में भाजपा की सरकार। जननायक और जनसेवक का नारा होता है कि जान जाए, अरे जमके जान जाए। बीजेपी का नारा है नेताओं का, वचन जाए पर जान। देश का क्या हाल कर दिया, प्रदेश में क्या हाल कर दिया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमा गई, किसान बेहाल, नौजवान बेरोजगार, महिला असुरक्षित। इनके नेता एक के ऊपर एक बयान दे रहे हैं। और मैं जानता हूं कि कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हैं अभी के मुख्यमंत्री, लेकिन किसने इन भाजपा नेताओं को हक दिया है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवाद कहलाने का? क्या ये प्रजातंत्र की स्थिति आज इस देश में ला दी है कि गरिमा समाप्त हो चुकी? महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने ढोंग किया स्वतंत्रता संग्राम में। दूसरे मंत्री यहां आते हैं और कहते हैं कि देश के गद्दारों को और बाकी मैं नहीं कहने वाला। क्या ये प्रजातंत्र और संविधान को इस देश में बचाएंगे? एक तरफ ये वातावरण, दूसरे तरफ आर्थिक मंदी। नोटबंदी के बाद जो आपके एक एक दुकान में और एक एक व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो व्यवसाय हो, जो कठिनाई का सामना नोटबंदी और जीएसटी का डबल बैरल तोप के साथ पूरी व्यवस्था भंग की है इन्होंने, इसका जवाब इस चुनाव में वोट बंदी के आधार पर देना आप लोग। तो आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, जो बेरोजगारी का माहौल पूरे देश में है, इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो लेके आएंगे अफसरों का भंडार, पर ये लेके आए पान और पकौड़े की सरकार। इनकी सरकार में तो युवा पकौड़े तले और इनके नेता मंत्री बने। तो आज आपका ही भाई, आपका लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है, एक एक करके प्रजातंत्र की सीढ़ी पर चढ़ा है, आपके आशीर्वाद से अनुभव ग्रहण करके पार्षद बन के आपकी सेवा की है,
दूसरी बार कांग्रेस ने इनको मौका दिया है आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका बर्दहस्त इनके साथ रहे और आने वाले मतदान के दिन पर संदीप को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करके विधानसभा में भेजो, विधानसभा में भेजो ताकि आपका झंडा। अभी ये नौजवान संदीप का पोस्टर लेके खड़ा है, मनीष आज संदीप का पोस्टर लेके खड़ा है। जिस दिन आप संदीप को विधायक बना के विधानसभा में भेजोगे, ये संदीप आपके सामने इससे वचन दिलवाता हूं मैं कि ये कैंट क्षेत्र के एक एक नागरिक का झंडा लेके उस विधानसभा में खड़ा रहेगा। चाहे नागरिक कॉलोनियों की बात हो, चाहे आपकी पानी की पाइपलाइन की बात हो, चाहे आपके राशन कार्ड की बात हो, चाहे आपके विधवा पेंशन की बात हो, हर एक लड़ाई ये संदीप आपके लिए लड़ेगा और कैंट क्षेत्र का झंडा विधानसभा में बुलंद करके रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।